जय हिंद दोस्तों, मैं हूं निसार अंसारी। रिसेंटली चाइना ने अपने 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लॉन्च किया है अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना ने अब तक कितने एस्ट्रोनॉट लॉन्च किए हैं और ये एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते कहाँ हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से तो चाइना को बहुत पहले से ही बैन किया गया है। और फिर हम ये भी एनालिसिस करेंगे इंडिया से चाइना कितना आगे निकल चुका है एस्ट्रोनॉट लॉन्च करने में और स्पेस स्टेशन डेवलप करने में। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी पाने के लिए। 1984 इंडिया के लिए एक यादगार वर्ष था, क्योंकि इसी वर्ष राकेश शर्मा इंडिया के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बने जो स्पेस में गए हो। लेकिन इंडिया ने खुद के रॉकेट से इन्हें लॉन्च नहीं किया था, बल्कि रशिया के सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया गया था। राकेश शर्मा जब स्पेस में गए तो इन्होंने अपना 7 डेज का स्पेस जर्नी सैल्यूट 7 नामक रशियन स्पेस स्टेशन में बिताया था। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने 2003 में जाकर अपना पहला चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग ली को स्पेस में भेजा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चाइना ने इन्हें खुद के रॉकेट खुद की कैपेबिलिटी से लॉन्च किया था। ये बात भी सही है कि रशिया ने कुछ हद तक चाइना का इनिशियली ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम डेवलप करने में टेक्नोलॉजिकल हेल्प किया था। चाइनीज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट यांग ली स्पेस में सिंजाओ 5 नामक स्पेस क्राफ्ट, जो कि इंडिया के गगनयान कैप्सूल की तरह ही था, इसमें ही रहकर स्पेस में अपना 21 आवर्स बिताया था। और फिर चाइना बन गया 3rd कंट्री आफ्टर US एंड रशिया टू हैव दिस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, जो काम इंडिया गगनयान मिशन के जरिए 2022 में करने जा रहा है, वो काम चाइना ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पहले 2003 में ही कर चुका है। और 21 जून 2021 तक चाइना टोटल 12 एस्ट्रोनॉट को लॉन्च कर चुका है। जी हाँ, और इसमें 2 फीमेल एस्ट्रोनॉट भी है। 2012 में ली यांग बनी फर्स्ट चाइनीज फीमेल एस्ट्रोनॉट एंड 2013 में वैंग येपिंग बनी सेकेंड चाइनीज फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो इन स्पेस। अब बात करते हैं तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में, जो चाइना मोस्ट प्रोबेबली 2022 तक कंप्लीट कर लेगा। अब मैं आपको इस पिक्चर के जरिए चाइनीज स्पेस स्टेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वाला है तियाने कोर मॉड्यूल, जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से। ये वही रॉकेट है जो री एंट्री के टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और मालदीव्स के काफ़ी पास जाके क्रैश हो गया। खैर, इसके बाद लॉन्च किया गया तियानजाओ कार्गो शिप। बेसिकली इसमें खाने पीने का सामान, एसेंशियल इक्विपमेंट्स सेंड किया जाता है। और अभी जो भेजा गया है वो है सियानजाओ क्रू कैप्सूल, इसमें ही एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है। और ये तियानजाओ और सिंजाओ दोनों अर्थ से स्पेस और स्पेस से अर्थ आते जाते हैं, सो इसका हमें डिफरेंट वर्जन देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम में जो तियाने कोर मॉड्यूल से अटैच्ड है वो है सिंजाओ 12 क्रू कैप्सूल, और कार्गो शिप की बात करें तो तियानजाओ 2। और ये दोनों मॉड्यूल जो आप देख रहे हैं वो चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA के हिसाब से तो 2022 एंड तक सक्सेसफुली लॉन्च करके असेंबल कर दिया जाएगा, एंड देन चाइनीज स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें इंडिया की, तो 2022 एंड तक गगनयान को सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे और इसके बाद जाकर काम शुरू होगा इंडियन स्पेस स्टेशन को डेवलप करने का। और उम्मीद किया जा रहा है 2029-30 तक इसे कंप्लीट किया जा सकता है। फॉर कंपैरिजन मैं बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा होगा चाइनीज स्पेस स्टेशन और इससे भी छोटा होगा इंडियन स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन के मामले में भी देखें तो इंडिया चाइना से 9 से 10 साल पीछे है। आई होप यहाँ तक आप सारा कुछ समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि ये सिंजाओ 12 स्पेस क्राफ्ट में जो 3 क्रू मेंबर हैं वो तो इस नए वाले स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल में रहेंगे, लेकिन इसके बनने से पहले जो भी चाइनीज एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते थे तो वे लोग कहाँ रहते थे? तो देखिए, चाइना 2003 से 2021 के बीच टोटल 7 क्रू कैप्सूल को डेवलप कर चुका है, सिंजाओ 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 12। सिंजाओ 5, 6, 7 कुछ इस तरह दिखता था, सिंपल सा गगनयान कैप्सूल की तरह, जिसमें 1 या 2 एस्ट्रोनॉट आराम से बैठकर स्पेस का चक्कर लगाकर वापस आ जाते थे। फिर चाइना ने 2 प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन तियांगोंग 1 2011 में और तियांगोंग 2 2016 में लॉन्च किया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्पेस स्टेशन था इसलिए साइज में काफ़ी छोटा था। बेसिकली चाइना इसके जरिए टेस्ट किया कि फ्यूचर में हम जो एक बड़ा स्पेस स्टेशन बनाएंगे उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह के डिफ़िकल्टीज आएंगे, क्रू कैप्सूल और स्पेस स्टेशन को कैसे डॉक किया जाता है
और भी कई तरीके चीजें इन दो प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन के जरिए चाइना ने समझा। 2011 में तियोंगोंग 1 स्पेस लेबोरेटरी लॉन्च करने के बाद चाइना ने अपना फोर्थ क्रू कैप्सूल सिंजौ 9 को 2012 में और फिफ्थ क्रू कैप्सूल सिंजौ 10 2013 में इस तियोंगोंग 1 से डॉक किया था। मीन्स जो भी चाइनीज एस्ट्रोनॉट इस मिशन में आए थे वो इसी स्पेस लेबोरेटरी में रहकर स्पेस जर्नी को कंप्लीट किया था। देन 2016 में तियोंगोंग 2 स्पेस लेबोरेटरी लॉन्च हुआ और सिक्स्थ क्रू कैप्सूल सिंजौ 11 को इससे डॉक किया गया, इसलिए जो भी एस्ट्रोनॉट आए थे वो इसी में ठहरे। और सेवेंथ क्रू कैप्सूल सिंजौ 12 के बारे में तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया का भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम कुछ इसी तरीके से किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 2028-29 में इसरो पूरा स्पेस स्टेशन बनाकर एक ही बार में लॉन्च कर देगा, बल्कि गगनयान के बाद कई तरह के इंपॉर्टेंट टेस्ट किए जाएंगे, फिर एक एक पार्ट्स को लॉन्च करके फाइनल असेंबल किया जाएगा। और इस बीच गगनयान 2, 3, 4 जैसे भी मिशंस देखे जा सकते हैं। सो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि इंडिया और चाइना के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में कितना डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।